नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पांच अमेजिंग प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसको जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलो देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। छुई मुई के पौधे जिसे लाजवंती कहते हैं, उसको छूते ही वह क्यों मुरझाने लगती है? एक बार और सुन लो, छुई मुई के पौधे जिसे लाजवंती कहते हैं, उसको छूते ही वह क्यों मुरझाने लगती है? इसके लिए हम आपको देंगे 5 सेकंड का टाइम। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा उद्दीपन के कारण। एक बार और सुन लीजिए, उद्दीपन के कारण। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई लड़का धरती पर 1 मीटर छलांग लगाता है, तो वह चंद्रमा पर कितने मीटर लगा सकता है? एक बार और सुनिए, अगर कोई लड़का धरती पर 1 मीटर छलांग लगा सकता है, तो वह चंद्रमा पर कितने मीटर छलांग लगा सकता है? इसके लिए हम आपको देते हैं 5 सेकंड का समय। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। 6 मीटर लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। आइए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी दूर की चीज़ें जिसका अपना सुगंध होता है, वह नाकों तक कैसे पहुंच जाती है और वह हमें महक का एहसास देने लगती है? एक बार और सुन लीजिए, कोई भी दूर की चीज़ें जिसका अपना सुगंध होता है, वह नाकों तक कैसे पहुंच जाती है और वह हमें महक का एहसास देने लगती है? इसके लिए हम आपको समय देंगे 5 सेकंड का। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा विसरण विधि के द्वारा। एक बार और सुन लीजिए, विसरण विधि के द्वारा। जिस विधि में हवा सहायक का काम करता है, जिस विधि में हवा सहायक का काम करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, पर इसके लिए आवश्यक सामग्री जैसे जल और खनिज लवण पत्तियों तक कैसे पहुंचती है? एक बार और सुन लीजिए, पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, पर इसके लिए आवश्यक सामग्री जल और खनिज लवण पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए हम आपको देंगे 5 सेकंड का समय। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। अब आप बोलोगे, ये जाइलम क्या होता है? तो जाइलम पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों से लेकर जड़ों तक एक पाइपनुमा एक अंग होता है पेड़ पौधे का। उसी के सहारे जड़ से पत्तियों तक पहुंचते रहता है खनिज लवण और जल। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। गांधी जी के कितने बंदर थे? एक बार और सुन लीजिए, गांधी जी के कितने बंदर थे? आइए देते हैं हम आपको 5 सेकंड का टाइम। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा 3 बंदर थे। एक बार और सुन लीजिए, 3 बंदर थे। पहला आंख बंद किए था यानी बुरा मत देखो, दूसरा कान बंद किया था यानी बुरा मत सुनो,
और तीसरा मुंह बंद किया था, यानी बुरा मत बोलो। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।